हे गाइस, दिस इज शुभम सिंह फ्रॉम शेप अप इंडिया एंड आज हम लोग बात करेंगे आरंभम बॉबी सिंह के बारे में। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इनको जानते होंगे, काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, बट आज इस वीडियो में से एक बात कंफर्म है कि आप लोग मोटिवेट ज़रूर होने वाले हो। आरंभम बॉबी सिंह का जन्म 1 फरवरी 1975 मणिपुर में हुआ था और इनका जीवन यार बहुत मुश्किलों से गुजरा था। पता है क्यों? क्योंकि महज 2 साल की उम्र में इनके फादर की डेथ हो गई थी एंड इनकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। इनकी फैमिली में इनके 4 भाई थे एंड 2 बहनें थी, जिनमें से ये दूसरे नंबर पे सबसे छोटे थे। अब जिसकी वजह से इनकी मम्मी को फील्ड्स में, खेतों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था। इनका स्कूल में पढ़ाई लिखाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा सब इनकी मम्मी ही इनको जो भी कमा के देती थी उसी से चलता था। 12 साल की उम्र में इन्होंने जिमनास्टिक ज्वाइन किया और लगभग 4 साल तक इन्होंने जिमनास्टिक की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस की, बट वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम आई एंड वो जो जिमनास्टिक वाला जिम था वो बहुत ज़्यादा दूर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको वो जिम छोड़ना पड़ा। अच्छा, उससे कुछ साल बाद इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया एंड वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस की, बट वहाँ पर भी कुछ विपरीत परिस्थितियों के कारण इनको वो जो एकेडमी है उसको छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने एज अ लेबर, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती ना, वहाँ पे एज अ लेबर काम किया, ईटेड हुए एंड उस पैसों से इन्होंने अपना एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोला एंड उस पोल्ट्री फार्म में ये जो बांस होते हैं ना, बैम्बूज, उनकी डलिया भी बनाते थे एंड जो अंडे अंडे होते थे उनको बेचते थे एंड उसी कमाई से अपनी डाइट को ये पूरी करते थे। तो आप सोचिए कि इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की अपने जो स्पोर्ट्स का जो जज्बा था उसको जगाए रखने के लिए। तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस लगातार चालू रखी एंड अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ही, जो मणिपुर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे ये स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे तक गए, जिसकी वजह से इनको SSB के अंदर स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिल गई। अच्छा, वहाँ पे SSB में एक छोटा सा जिम हुआ करता था जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स, जो व्हीकल्स के पार्ट होते थे ना उनसे एंड जो बैम्बू स्टिक्स होती थी उनसे बने हुए थे। सो वहीं पे इन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट की। इनके सीनियर्स के सपोर्ट की वजह से इन्होंने काफ़ी टाइम तक वहाँ पे ट्रेनिंग की एंड वहाँ से ही इन्होंने अपनी जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन थे वो खेलना शुरू किए एंड वहाँ पे इनको एक कोच भी मिले जिन्होंने इनकी बॉडी देखी। सो शुरुआत से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी और कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क किया था, तो इनकी बॉडी का फ्रेम एंड बॉडी में जो मसल मास था वो काफ़ी अच्छा था, जिसकी वजह से इनके कोच ने इनको ट्रेन किया एंड नॉर्थ ईस्ट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जो कि 1985 में हुई थी वहाँ पर इनको कम्पीट कराया एंड उस कॉम्पिटिशन में इन्होंने अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल को जीता। उसके एक साल बाद 1996 में इन्होंने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कंपीट किया एंड वहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एंड 1998 में इन्होंने सीनियर नेशनल फ्रॉम रेलवेज कंपीट किया एंड वहाँ पे भी इन्होंने अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल को जीता। 2010 में इन्होंने मिस्टर वर्ल्ड जैसे बड़े कॉम्पिटिशन को खेला एंड वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता। इसी तरीके से इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे लगभग 7 मेडल जीते हैं, जिनमें से कुछ गोल्ड, कुछ सिल्वर एंड एक ब्रोंज मेडल भी है। इन्होंने 3 बार मिस्टर एशिया का कॉम्पिटिशन भी गोल्ड मेडल से जीता है। अब तो काफ़ी सारी इनकी अचीवमेंट्स हैं यार, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत भी की है। बॉबी सिंह के अगर आप लोग आज भी इंटरव्यू देखोगे तो उनका यही कहना है कि आजकल वो ये देखते हैं कि काफ़ी सारे फैंसी इक्विपमेंट्स आ गए जिम के अंदर। जिम के अंदर घुसते ही बच्चों से लेके बड़ों तक, जो लोग भी जिम के अंदर घुसते हैं, सभी को सप्लीमेंट्स, अलग अलग तरीके के पिल्स एंड अलग अलग तरीके की चीज़ें ऑफर की जाती हैं एंड ये बताया जाता है कि आप इसको लिए बिना बॉडी नहीं बना सकते हो। हालाँकि इनका मानना, इनका कहना यही रहा है हमेशा से कि मैंने अपने जो होम जिम है उसके अंदर अपनी बॉडी बनाई है, उसी के अंदर अपने मैंने वर्ल्ड लेवल के कॉम्पिटिशन को खेला है एंड कम से कम जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको यूज़ करते हुए अपने देश का नाम रोशन किया। इनका मानना ये है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए आप लोगों को काफ़ी सारे फैंसी इक्विपमेंट से बहुत ज़्यादा जो आजकल सप्लीमेंट्स आ रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती है। इनका मानना ये है कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे फैंसी इक्विपमेंट्स या फैंसी सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग आप लोग कुछ बेसिक चीज़ों से कर सकते हो, जैसा कि इन्होंने की थी एंड आगे चल के आप लोगों को सपोर्ट खुद ब खुद मिलता जाएगा अगर आपकी मेहनत होगी उस लेवल की। सो इनकी कहानी से हम लोग को बहुत सारी मोटिवेशन देखने को मिलती है।
दिस इज शिवम सिंह फ्रॉम शेप अप इंडिया एंड आज हम लोग ने बात की आरंभम बॉबी सिंह के बारे में।